करीब 12 साल पहले रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने सजा सुना दी है। इस हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक रिक्शा चालक ने भी जान गंवा दी थी। इस हमले के आरोपी 8 में से 6 को कोर्ट ने दोषी माना है। एडीजे कोर्ट ने सीआरपीएफ ग्रुप कैंप पर आतंकी हमले के आरोप से कौसर फारूकी और गुलाब खान को बरी कर दिया है। इस हमले के 6 दोषी में से 3 पाकिस्तानी है। इन सभी को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। न्यायालय में हमले के मामले में पाक अधिकृत कश्मीर का इमरान और मोहम्मद फारूक, मुंबई का फहीम अंसारी, बिहार का सबाउद्दीन सबा, मुरादाबाद का जंग बहादुर बाबा खान और रामपुर का खजूरिया गांव के मोहम्मद शरीफ को दोषी माना गया है। फैसला आने के बाद रामपुर में पुलिस और सीआरपीएफ हाई अलर्ट पर है। जिला शासकीय अधिवक्ता सरदार दलविंदर सिंह ने बताया कि मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और सबाउद्दीन को आतंकी हमले में दोषी करार दिया गया। गिरफ्तार मुंबई गोरेगांव के फहीम अंसारी से पासपोर्ट और पिस्टल वगैरह बरामद हुए थे। उसकी हमले में कोई भूमिका नहीं पाई गई है, उसे दोषी पाया गया है। प्रतापगढ़ के कुंडा के कौसर फारूकी और बरेली के बहेड़ी के गुलाब खान को दोष मुक्त किया गया है। गिल्टी होल्ड कर दिया गया है 5 लोगों को, मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर बाबा, इमरान शहजाद, फारूक और सबाउद्दीन, जो मेन सीआरपीएफ का अटैक था। कुल जो 8 आरोपी थे उसमें से कितनों को दोषी पाया है और कितनों को बरी किया है? ये 2 अलग अलग मुकदमे चले हैं जी, जिनमें 5 मुख्य अभियुक्त तो यही थे, 2 सर इनके साथ थे, कौसर खान और गुलाब खान। कौसर खान और गुलाब खान द्वारा इन मेन अभियुक्तों का सामान अपने घरों पर रखवाया गया था और उसको उन दोनों को दोष मुक्त कर दिया गया है। बाकी इन 5 लोगों को जो है दोषित कर दिया गया है। टोटल 8 लोग थे, 8 आरोपी थे, 7 8 लोग थे, तो इसमें 8 में 8वां फहीम अरशद अंसारी है। उससे फर्जी पासपोर्ट, स्टार पिस्टल वगैरह बरामद हुए थे, लेकिन उसका इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं पाई गई इस अटैक में, फहीम अंसारी की। अच्छा, इसलिए उसको धारा 420, 467, 468, 471, 200 IPC, 25/1/A आयुध अधिनियम में अच्छा दोषित किया गया। सर कितनी सजा हुई है सर? कोई ताल्लुक नहीं रहा? नहीं, ताल्लुक का तो उसका रहा है। अच्छा, लेकिन डायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा, जो जितने आरोपी बनाए गए उनको कितने साल की सजा हुई है? ये कल बताया जाए। अच्छा, कल ये 5 जो आरोपी उनका एक बार नाम ले दीजिए। सजा के नाम पर कल सुनवाई हुई। अच्छा, 5 आरोपी कौन कौन से थे? 5 आरोपी जो मुख्य थे, मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर, इमरान शहजाद और फारूक और सबाउद्दीन, ये 5ों आतंकवादी हमले में शामिल थे। जो बरी हुए उनका क्या नाम? वो है मोहम्मद कौसर खान और गुलाब खान। इन दोनों को बरी कर दिया गया? हाँ, किस वजह से बरी किया गया? इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं पाई गई है इसमें। अच्छा, सजा नहीं सुनाई गई है अभी? सजा के प्रश्न पर कल सुना जाएगा। अच्छा, उसके बाद तो क्या कल भी इन आरोपियों को लाया जाएगा कोर्ट या बुलाया जाएगा? और जो दो है उनको बरी कर दिया गया। हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू सर। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात आतंकियों ने हमला कर दिया था। उस हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक रिक्शा चालक की भी जान गई थी। पुलिस ने हमले के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों को लखनऊ और बरेली के जेलों में रखा था और आज इस मामले में फैसला सुना दिया गया।